हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अंजनी और आज मैं आप लोगों के साथ लॉकडाउन स्पेशल सबसे इजी और सबसे कम इंग्रेडिएंट्स वाली केक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। इस केक को बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और इसे बनाने में केवल दो इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। ओरियो बिस्कुट का केक बनाने के लिए यहाँ पर दो पैकेट मैंने ओरियो बिस्कुट लिया है और एक इलायची फ्लेवर मैंने अलग क्रीम वाला पैकेट लिया है। तो इसका जो होता है सो चॉकलेट फ्लेवर होता है और एक इलायची फ्लेवर का मैंने लिया है ताकि जो हमारा केक है वो कुछ अलग और डिफरेंट टाइप का बने। तो सबसे पहले हमें इन बिस्कुट के पैकेट को फाड़ लेना है और इसमें से सारे बिस्कुट को निकाल लेना है। और अब हम इसे इस तरीके से करेंगे और इसका जो क्रीम है उन सभी क्रीम को हमें निकाल लेना है। तो इसी क्रीम का इस्तेमाल हम ऊपर से केक को डेकोरेट करने के लिए करेंगे। तो आप चाकू से इस तरीके से इस क्रीम को निकाल सकते हैं, ये देखिए। और इसी तरीके से सारे हमें क्रीम को निकाल करके अलग कर लेना है। ये चॉकलेट फ्लेवर का क्रीम होता है तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चूँकि लॉकडाउन चल रहा है तो अभी हम बिल्कुल कम सामान में अपना जो केक है वो रेडी करेंगे। तो यहाँ पर हम सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स से इस केक को रेडी करने जा रहे हैं। तो इसी तरीके से हमें सभी को अलग कर लेना है। इलायची फ्लेवर वाले बिस्कुट के साथ भी हमें सेम प्रोसेस करना है, लेकिन इसके क्रीम को हम एक अलग कटोरी में डालेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। सो फ्रेंड्स, ये देखिए सभी बिस्कुट से मैंने जो क्रीम है उसको अलग कर लिया है। तो अब इसको एक मिक्सी के जार में डाल करके हमें अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। तो यहाँ सभी बिस्कुट को हम मिक्सी के जार में डाल देते हैं। इसका केक जो होता है बहुत ही टेस्टी बनता है और ज़्यादा झंझट भी नहीं है इसे बनाने में। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अभी बाहर केक नहीं मिल रहा है तो बच्चों को बना करके खिलाइए, उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। सो फ्रेंड्स, ये देखिए बिस्कुट को मैंने बिल्कुल बारीक पीस लिया है, इसका बिल्कुल बारीक पाउडर बना लिया है। तो अब हम अपना केक को बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम केक का बैटर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो बिस्कुट को पीसा है उसको हम इसमें डाल देते हैं। थोड़ा सा बिस्कुट का पाउडर हमें बनाना है, इसको हमने जो चॉकलेट निकाला है ना बिस्कुट के अंदर, तो उसमें डाल करके हमें इसका एक घोल सा तैयार करना है जो कि हम अपने केक के ऊपर लगाएंगे। तो यहाँ पे लगभग 1 चम्मच मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है। अब हम इसमें धीरे धीरे दूध डालेंगे और फिर इसका हम बैटर तैयार कर लेंगे। बिल्कुल पतला सा बैटर हमें इसका तैयार करना है। तो यहाँ पे बिल्कुल हल्का हल्का सा दूध डालिए, एक बार में ज़्यादा दूध आपको नहीं ऐड करना है इसमें। तो इस तरीके से आप दूध डालते जाइए और फिर बैटर को रेडी कर लीजिए। तो इसमें मैंने लगभग थोड़ा सा दूध और ऐड किया है और ये देखिए, और बिल्कुल ऐसा ही बैटर हमें यहाँ पे चाहिए। तो लगभग 3 पैकेट बिस्कुट में यहाँ पे हमें 1 कप दूध का इस्तेमाल हमने किया है। थोड़ा सा दूध यहाँ पे हमारा बचा हुआ है, ये देखिए। अब हम इसमें डालेंगे लगभग बिल्कुल हल्का सा हमें डाला है, या फिर आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं। लगभग 1 पिंच से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर हमने बेकिंग सोडा डाला है ताकि थोड़ा सा ज़्यादा स्पॉन्जी हो। इस चीज़ को आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन चाहे तो डाल भी सकते हैं। और बिल्कुल आधा चम्मच हम यहाँ पे शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल करेंगे। घी ही डालें, ऑयल वगैरह नहीं डालें, सोयाबीन ऑयल या फिर कोई भी ऑयल जो होता है उससे आप यहाँ पे नहीं डालें, शुद्ध देसी घी डालें तो टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आएगा। और यहाँ पे जो हमारा बैटर है ये देखिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम अपना केक बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बेक करने के लिए यहाँ पर मैंने एक टिफिन ले लिया है, आपके पास अगर बेकिंग ट्रे हो तो आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैं इस टिफिन से बता रही हूँ ताकि सारे लोग आसानी से बना पाएंगे, क्योंकि सभी लोगों के पास बेकिंग ट्रे नहीं होता है। अब हम इसमें थोड़ा सा मैदा डालेंगे ताकि जब हम केक को निकालें तो वो आसानी से निकल के बाहर आए। तो यहाँ पे हम मैदा डाल देते हैं इस तरीके से, तो केक नीचे से हमारा जलेगा भी नहीं और जब हम उसे निकालेंगे तो ये आसानी से निकल जाएगा। और इस तरीके से हमें सभी जगह पे मैदे को फैला लेना है। ये देखिए कोनों में भी फैला लीजिए ताकि सटे नहीं आपका जो केक है वो। ये देखिए हो गया बिल्कुल परफेक्ट। अब हमको इसमें हमने जो बैटर तैयार किया है उसको डाल देना है।
सोडा वगैरह आप यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना, थोड़ा सा ही इस्तेमाल करें या फिर नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि जब बिस्कुट बनता है तो उसमें सोडे का इस्तेमाल किया जाता है, तो आप स्किप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने डाल दिया है, तो अब हम इसको बेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने पहले ही से, ये देखिए, प्री हीट होने के लिए यहाँ पर एक कुकर को डाला हुआ है। लगभग 10 से 15 मिनट पहले मैंने इसे हीट होने के लिए डाला है और ये काफी हीट है। तो अब हमें सावधानी से केक को इसमें डालना है ताकि हमारा जो हैंड है वो जले नहीं। अब 10 मिनट हम इसे बेक होने देते हैं, बीच में हम एक बार चेक कर लेंगे कि ये पका है कि नहीं, और 10-15 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये अच्छे से पका है कि नहीं। गैस के फ्लेम को बिल्कुल मीडियम टू लो रखें, हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं रखें। तो अब हम इसे ढक देते हैं और 15 मिनट इसे हम बेक होने देते हैं। बेक हो रहा है, तब तक केक को सजाने के लिए जो हमें क्रीम बनानी है वो हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर बाकी बचे हुए बिस्कुट को हम इस बॉल में डाल देंगे जिस बॉल में हमने केक का बैटर तैयार किया है, और यहाँ पर जो हमने बीच का चॉकलेट निकाला है ना, उसे हम इसको इसमें डाल देंगे। इससे जो टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आएगा और हमें क्रीम की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और अब हम इसमें हल्का हल्का सा दूध ऐड करेंगे। यहाँ पर हम गर्म दूध का इस्तेमाल करेंगे ताकि क्रीम जो है सो अच्छे से मेल्ट हो जाए, और इस तरीके से हमें इसे मेल्ट कर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से घुमाते रहिए, हल्का हल्का प्रेस कीजिए, ये अपने आप घुल जाएगी क्योंकि हमने यहाँ पे गर्म दूध का इस्तेमाल किया है। तो इसमें थोड़ा सा दूध हमने और ऐड करना है क्योंकि हमें इसे गाढ़ा नहीं रखना है, पतला ही रखना है। इसको हम केक के ऊपर डालेंगे तो जब हम डालेंगे तो ये अपने आप केक जो है सो सोख लेगा इसको। तो इसी तरीके से हमें इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है, और ये देखिए अब ये अच्छे से मिक्स हो चुकी है और घर में ही हमारी बहुत ही बढ़िया सी एक क्रीम रेडी हो चुकी है। तो अब हम एक और क्रीम यहाँ पे रेडी करेंगे। वाली क्रीम निकाली थी ना, उसमें हम डालेंगे बिल्कुल फ्रेश, यहाँ पे फ्रेश मलाई हम डालेंगे इसमें। मलाई के साथ हम इसे इस क्रीम को अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, तो फ्रेंड्स ये देखिए हो गई हमारी एक और क्रीम रेडी। तो दोनों क्रीमों को अब हम रख देते हैं और केक के बेक होने का अब हम वेट करते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं और अब मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। ये देखिए, इसमें बैटर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये बेक हो चुका है। ये बहुत ही जल्दी बेक हो जाता है क्योंकि ये बिस्कुट से बनता है। तो अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और अब हम इसे ठंडा होने देंगे। हमारा जो केक है वो बिल्कुल अब ठंडा हो चुका है, तो अब हम इसे पलट लेते हैं। और ये देखिए कितने अच्छे से ये निकल करके आ गया है। तो अब हम इसे गार्निश करेंगे, यानी कि अभी से थोड़ा सा हम डेकोरेट कर लेते हैं। तो पहले जो ये किनारे वाले हैं ना, इसे तोड़ करके हटा दीजिए, थोड़ा सा लुक इससे अच्छा नहीं आ रहा, तो इसे हम हटा देते हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ अब कि ये कैसा बना है। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, बच्चों को तो स्पेशली बहुत ही पसंद आता है। तो एक बार आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। अब हमने जो क्रीम तैयार की थी ना, ये बिस्कुट के अंदर की जो क्रीम थी उससे, उसको हम इसके ऊपर लगा देते हैं। साइड में भी हम डाल देंगे। अभी ये पतला है लेकिन जब आप इसे फ्रिज में रखेंगे ना तो फिर ये अच्छे से सेट हो जाएगी। तो इस तरीके से साइड में भी हम लगा देते हैं, टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा। और अब हमें इसे फ्रिज में सेट होने के लिए छोड़ देना है ताकि हमने जो इसके ऊपर क्रीम लगाई है वो अच्छे से जम जाए, उसके बाद फिर हम इसे आगे डेकोरेट करेंगे। ये देखिए, फ्रिज में डालने के बाद अभी अच्छे से सेट हो चुकी है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं और एक दूसरे प्लेट में हम इसे डाल देते हैं, क्योंकि हमने जो साइड में डाला था ना उस वजह से ये प्लेट जो है सो थोड़ा सा गंदा दिख रहा है। तो अब हम इसे निकालेंगे धीरे धीरे और ये आसानी से निकल जाएगा। ये देखिए, और इस प्लेट को हम हटा देते हैं और अब दूसरे प्लेट में हम इसे डाल देते हैं जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट इसी के साइज का है। और ये देखिए, अब हम इसे थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने एक क्रीम बिस्कुट में से येलो वाला निकाला था उसे मैंने रखा हुआ है, तो इसको इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ।
एक और को हम डाल देते हैं। यहाँ पर मैंने जेम्स लिया है, जेम्स बच्चों की जो चॉकलेट होती है ना, वो अभी मार्केट में आसानी से मिल रही है, तो वही मैंने रखा हुआ है, तो उसी से हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं ताकि ये बढ़िया लगे देखने में इस तरीके से। ये देखिए, और प्यारा लग रहा है ना देखने में। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक लाइन में लगा दिया है, और यहाँ पे सेकेंड लाइन में भी इसके पास हम लगा देते हैं ताकि ये देखने में और ज़्यादा खूबसूरत हो जाए। अभी मार्केट में बिल्कुल आसानी से मिल रहा है, और दो दो रुपए के पैकेट में ये मिलता है, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, लेकिन इससे बहुत ही अच्छे तरीके से केक जो है हमारा वो डेकोरेट हो जाता है, तो आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में। तो व्हाइट वाली जो क्रीम मैंने बनाई थी मलाई से और इस पीले वाले अति से, तो उसको मैंने यहाँ पे एक दूध के पॉलोथिन में डाल दिया है, तो अब इस तरीके से हम इसमें गिराएंगे इसको, यहाँ पर बीच बीच में गिराएंगे हम इसे थोड़ा थोड़ा। वैसे स्पून से भी आप डाल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से अगर आप कोन में डाल करके इसे डालेंगे तो फिर ज़्यादा आसानी होगी। और यहाँ पे हम व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो अगर आप इसको इसे डालिएगा तो फिर केक जो हमारा है वो खाने में टेस्टी लगेगा। तो इसी तरीके से हमें डाल लेना है। तो ये देखिए, हमारी बहुत ही ज़्यादा इजी केक की रेसिपी रेडी हो चुकी है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में, लेस इंग्रेडिएंट्स के साथ, और देखने में भी ये बहुत ही बढ़िया लग रही है, और खाने में भी इसका जो फ्लेवर होता है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है। तो एक बार इस केक को आप जरूर ट्राई कीजिए, और अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरी यूट्यूब चैनल दिलचस्प रसोई को सब्सक्राइब कर लें। टेक केयर एंड गुड बाय, फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ।